बात अब एलएसी की कर रहे हैं। एलएसी पर तनाव के बीच मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में चीन की हरकतों का पूरा खुलासा करते हुए जोरदार जवाब दिया। इस बीच सर्दियों की आहट के बीच एलएसी पर भारतीय सेना की तैयारियों की तस्वीरें भी सामने आई। एलएसी पर भारतीय सेना के ऑपरेशन स्नो लियोपोर्ट से घबराया चीन अब शांति का राग अलाप रहा है। यहां तैनात सैनिकों के लिए सामग्री लेकर आया है। सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। जब संसद में हुई सिंह गर्जना, चूहा बन गया चीन का सरगना, एलएसी पर दिखी भारत की आग, ड्रैगन अलापने लगा शांति राग, एलएसी पर चीन की अतिक्रमण वाली चाल पर देश की संसद से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोरदार स्ट्राइक की। चीन ने पहली बार भारत की संसद से हिंदुस्तान की अटल गर्जना सुनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी पर चीन की भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार की मौजूदगी पर सवाल उठाए और भारतीय सेना की तैयारियों को लेकर उसे खबरदार भी किया। अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने एलएसी और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा और कोंकला और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। एक तरफ देश के संसद के भीतर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को सख्त चेतावनी दी है, तो दूसरी तरफ एलएसी पर भारतीय सैनिकों ने अपनी तैयारियों को धार दे दिया है। आने वाली सर्दियों में भारतीय सैनिक कड़ाके की ठंड में एलएसी पर चीनी फौज का मुकाबला कैसे करेंगे, इसका पुख्ता इंतजाम कर दिया गया है। भारत की चेतावनी और तैयारियों को देख चीन अब शांति का राग अलापने लगा है। ड्रैगन के सरकारी भौंपू ग्लोबल टाइम्स ने कहा है, बीजिंग को चीन भारत सीमा विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, हालांकि अपनी सेना को भी तैयार रखना चाहिए। भारत में कई अलग अलग ताकतें हैं, कुछ अतिराष्ट्रवादी हैं जिन्होंने आसान रास्ते पर जाने से मना कर दिया है और कहा है कि वे अपने सख्त रुख पर बने रहेंगे। हिंदुस्तान अब पैसिव स्टेट ऑफ सॉफ्ट स्टेट नहीं है। पैसिव स्टेट से मोदी जी इसको न्यूट्रल गियर में लाए, फर्स्ट गियर में लाए, ऑफेंसिव डिफेंस, अब सेकंड थर्ड गियर में आ गए हैं ऑफेंसिव मोड। अब हम सठम साठ्यम समाचरित के टिट फॉर टैट जैसे को तैसा फिलॉसफी में सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। चीन जैसे बिहेव करेगा उसको उसी भाषा में उत्तर दिया जाएगा जिस लैंग्वेज को वो समझता है। तो चीन को अपने ही दवाई का टेस्ट हम लोग खिलाने के लिए अब एकदम तत्पर हैं। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान की लाइव टीवी पे कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।